गाइज़, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं बढ़िया हूँ एंड आई एम श्योर आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने घर में हूँ, अपने गांव आई हूँ मैं। वैसे तो मुझे 2-3 दिन हो गए हैं गांव आए हुए, लेकिन मैंने व्लॉग तो किया नहीं। तो आज मैं व्लॉग बना रही हूँ और आज एक्चुअली लास्ट दिन है कुल्लू दशहरे का भी। और आई थिंक आज के दिन जो है पूरे कुल्लू के हर एक गाँव में ही ऐसा होता है कि एक रिवाज होता है, आपके घर में जितने भी आपके पालतू पशु हैं, जैसे गाय बच्छू हो गए, डॉगीज हो गए, तो उनकी जो है पूजा करते हैं। इस डे को जो है स्पेशल कुछ नाम दिया हुआ है, वो मुझे अभी जो है उसे याद नहीं कर पा रही हूँ वो नाम क्या है। वो जब मुझे पता चलेगा, अभी मम्मी भी घर पे नहीं है तो मैं उनसे पूछ लेती, जब मुझे पता चलेगा तो आपको बता दूँगी। अगर आप लोगों को पता है तो आप भी मुझे बता सकते हो कमेंट करके। और बस अभी मैं भी कुछ ऐसे करने वाली हूँ, उनकी पूजा करूँगी। और चलो आज का फिर व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले गौ माता से ही स्टार्ट करती हूँ, इनकी पूजा करती हूँ पहले। गुस्सा कर रही है, जल्दी कर बोला। चलो फोन साइड में रखो और पूजा स्टार्ट करते हैं। तिलक लगा, देखो देखो ऐसे दखल, तिलक लगा देखो वाला सुंदर जीवा। तो सो गाइज, अभी मैं बहुत जल्दी जल्दी में अपनी ताई के घर जा रही हूँ बाली चौकी, क्योंकि वहाँ पे आज देवता आने वाले हैं। और मेरी बस को सिर्फ 15 मिनट बाकी है और मुझे अभी चलना है काफ़ी पैदल। तो अभी मैं बहुत जल्दी जल्दी चल रही हूँ ताकि टाइम से पहुँच जाऊँ और फिर आगे का व्लॉग मैं वहीं पे कंटिन्यू करूँगी। मेरी मम्मी भी आएंगे बाद में शाम को और बाकी भी हमारी फैमिली वाले वहाँ पे इकट्ठा होंगे सारे। तो फिर शाम को व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, अभी के लिए बाय बाय। सो गाइस, मैं पहुँच गई हूँ अपने ताई के घर और अभी हम लोग यहाँ पे सफाई वगैरह कर रहे हैं, मतलब सेटिंग वगैरह बैठने के लिए लोगों के लिए, देवता वाले पहुँचने वाले हैं। और मिलिए मेरी बड़ी बहन से, हेलो हेलो, जो कि अभी साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। अभी काम करना है बहुत सारा, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर एक पॉइंट बीच बीच में रिकॉर्ड करती रहूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। सो कीप वॉचिंग माई व्लॉग। ये मेन हॉल है जहाँ देवता बैठेंगे, वहाँ बैठेंगे देवता, उस जगह पे वहाँ बैठेंगे देवता। और वो मेरे ताऊ जी की फ़ोटो है, ये जो बड़ी सी फ़ोटो है ना। सो गाइज, ये है मेरे सबसे बड़े वाले ताऊ जी और आपको देख के पता तो चल ही गया होगा कि ये देवता के लिए हार तैयार कर रहे हैं। ये मेरे जीजू से मिलिए गाइज, हेलो तो बोलो। हेलो हेलो। और हम लोग काम ही काम कर रहे हैं, देखो यहाँ पे पंडित जी भी काम कर रहे हैं, आप भी बोलो हेलो। अभी ग्राइंड कर रहे हैं हम लोग टमाटर। और कुछ कहना चाहेंगे आप? पीठ में दर्द हो रही है। आप कर रहे थे बात आईफोन दिलाने की, मेरे को दिलाओ आईफोन। आईफोन दो 15। अच्छा 15 प्रो दिलाना मेरे को। इधर रोटियां पक रही है, ये मेरी मासी जी और दीदी और मैं, तीन ही हम, काफी सबके लिए बना लेंगे हम। थोड़ी सी रोटियां बनाएंगे, थोड़ी चावल बनाएंगे, फिर मिक्स करेंगे सब कुछ फटाफट। सारे काम किए मैंने थोड़े थोड़े करके, सारे किए मैंने थोड़े थोड़े, पर भी थी मैं सब्जी वालों के साथ भी थी मैं। सो गाइस, देवता जी पहुंच गए और हम सब इनके स्वागत करने के लिए आए हैं। Yeah।
बच्चा पार्टी देखो देवलो बच्चा पार्टी मैंने बनानी लकी लकी की बनानी मैंने देखो कौन ने बैठा है अभी जाके दिखा मेरे को चल तो आए नहीं। सो गाइस अब हम इत्मीनान से डिनर करेंगे है ना जीजू वो भी 11 बजे रात के सुबह से भूख लगी ऐसी अभी हम देखना आधा घंटा लगाऊंगा खाना खाने में चैन से गुड नाइट ही बोल दो साथ में अब नाइट शिवरात्रि गाइस ये दूसरे दिन की वीडियो है जब देवता अपने घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे रात को काफ़ी लेट तक कीर्तन हुआ इसलिए फिर रात को व्लॉग एंड नहीं कर पाई सो गाइस यहीं तक था आज का व्लॉग होप आपको अच्छा लगा और वीडियो को करना है लाइक शेयर और चैनल को करना है सब्सक्राइब बाय बाय